जय मानव तैनेवा। जय मानव तैनेवा। आज की स्टोरी है ना, एक बहुत सा क्यूट सा छोटा सा बर्ड था उसकी है, और एक प्यारा सा व्हाइट कलर का फ्लावर था उसकी। व्हाइट कलर का फ्लावर बहुत सुंदर लग रहा था, और उसका एक दोस्त था, वो बर्ड था इतना छोटा सा, और वो है ना, वो फ्लावर कैसे गोल 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 घूमता रहता था। जैसे तिथि है ना, जैसे तिथि प्रार्थना की दोस्त है, प्रार्थना फ्लावर है और तिथि बर्ड है। तिथि को प्रार्थना से बहुत प्यार है, पर प्रार्थना को उससे इरिटेशन होता है कि ये जब देखो तिथि मेरे से चिपक के रहती है, पूरा टाइम मेरे गोल गोल घूमती रहती है, मैं क्या करूँ कि तिथि मुझसे दूर चली जाए, ऐसा होता है। हमारे दोस्त भी होते हैं,
जो हमें बहुत प्यार करते हैं पर हम है ना उनके प्यार को नहीं समझ पाते कई बार, और हमें उनकी क्लोजनेस से या वो हमारी केयर करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार परेशान करके रखा है, जब देखो खाना खाया पानी पिया पहुंचे नहीं पहुंचे स्कूल गए नींद आ रही है बुखार आया क्या है यार, मतलब अभी तो मैं छोटी छोटी हूँ मेरे को तो सब पता चलता है, पर वो प्यार है उस प्यार को नहीं समझ पाते। फिर बड़ की तरह वो अपना खून आपके ऊपर लुटाता है, मतलब अपना टाइम देते हैं अपने पैसे देते हैं अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं तब जाके आप लाल होते हो, राइट? तो जब आपको पता चलता है कि ये सारे इमोशंस और प्यार हमें मिल रहा था जिनसे वो हमें बहुत प्यार करते हैं, तब तक क्या होता है वो रिश्ता हमसे दूर चला गया होता है। कई बार ऐसा होता है खो जाता है एक्सपायर हो जाता है, जैसे बर्ड मर गया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी से बहुत लगा होता है तब तक वो हमारी दुनिया से दूर चला गया होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सभी रिश्तों का आदर करें, अगर कोई आपसे प्यार करता है कोई आपका सम्मान करता है कोई आपकी केयर करता है।